तो फाइनली फासोस से आ चुका है रोल्स, और ये है, थोड़ा गीला हो गया, बारिश हो रही थी तो ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज से मैं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा, ऐसा सोचा था कि सुबह 7 बजे उठूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया दोस्तों। लगता बहुत इजी है अपना शेड्यूल चेंज करना, लेकिन हो नहीं पाता। मैं आज उठ तो गया था 7 बजे, लेकिन फिर कुछ कर नहीं पाया। तो अभी फिलहाल तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी बज रहे हैं 12:15। अपना ऑफिस भी स्टार्ट कर दिया है मैंने, और अभी तो ये विकास परक जो छत्तीसगढ़ का करंट न्यूज़, करंट वाला जो न्यूज़पेपर आता है ये वो है, मैं सारे इंपॉर्टेंट चीज़ दिए रहते हैं। तो ये जून का है, जून का है? नहीं, जून का भी नहीं है, ये मई का है। इसके बाद मुझे जून का लाना है और जुलाई का लाना है, तो जुलाई अभी लगने ही वाला है 2 दिन में, तो तब लेके आऊँगा, तो वो भी ले आऊँगा, वो दोनों को भी पढ़ूँगा। और साथ में ये देखो मेरा रैक, मतलब इतना अच्छा बना है। कई कई जगह में है जो अच्छा नहीं लगेगा, जैसे ये वेल्डिंग ओवर कर दिया मैंने तो यहाँ पे होल हो गया है। ऐसे कुछ कुछ ही चीज़ है जो ऐसे पास से देखोगे तो ठीक है यार, खुद से बनाया हूँ तो हो जाता है। ये थोड़ा, ये रॉड भी थोड़ा हल्का हल्का बेंड था कहीं कहीं पे, तो वहाँ होल है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ऐसा कुछ कुछ है। लेकिन मेरी सारी बुक्स तो आ गई, सारी नहीं मतलब जो मैं रेगुलरली पढ़ना है वो सारी तो आ गई। सब्जेक्ट वाइज ये पेपर 3 का है, ये पेपर 4, ये पेपर 5, ये पेपर 6 और 7 मिक्स है दोनों, और पेपर 1 हिंदी विंदी वाला यहाँ पे रखा हूँ। और यहाँ पॉलिटी भी पढ़ते रहता हूँ, तो पॉलिटी की भी 5th एडिशन नीचे पड़ी है, और ये मेरे नोट्स वाले कॉपी हैं। तो फिलहाल अभी पढ़ता हूँ, और मतलब कम से कम 3 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा पढ़ने का जो मतलब ज़्यादा पढ़ता था ना वो थोड़ा कम हो गया मेरा, तो अभी आज मेरे को अच्छे खासा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी बस चालू करता हूँ पढ़ना, और आप लोगों से मिलता हूँ 3 बजे के आसपास। भाई तो ये जो करंट वाले से जो भी मैं पढ़ते जा रहा हूँ, और जो भी डिस्ट्रिक्ट का आते जा रहा है उसमें नया फैक्ट, जैसे कि ये देखो अभी ये सुकमा खुला हुआ है, तो सुकमा का पर मैंने पूरा नोट्स बना के रखा हुआ है क्या क्या है, उसका मैप भी सुकमा का। और अभी जैसे नया चीज़ मैं ये देखा कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जो है टोंगापाल के नाम का, उसको चेंज करके शहीद डेबरी दूर गवर्नमेंट कॉलेज टोंगापाल के नाम से कर दिया गया, और नया स्टैचू स्थापित करने वाले शहीद गुंडाधुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, यानी कि सुकमा में। तो ये जैसे फैक्ट यहाँ से मिलते गए, तो यहाँ से उठाया, ये लिखा हुआ है और यहाँ डाल दिया, ताकि बाद में पेपर से ना पढ़ना पड़े, अपना ये आईपैड निकाले और पूरा यहीं से पढ़ लिया। सारे डिस्ट्रिक्ट का बनाना है, अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट का बना नहीं है, करते जा रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे ये है सरगुजा का, तो सरगुजा का जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब इसमें मार्क कर लिया है। और अब छत्तीसगढ़ में पहले 32 डिस्ट्रिक्ट्स थे ना, अब 33 हो गए, पहले तो फिलहाल 28 थे 2020 तक, जैसे ये 2020 की बात है तो 28 थे, 10 लैंडलॉक थे, 18 शेयर करते थे बाउंड्री, अभी 22 में 21 में ये हुए थे 32, और 22 में हो गए 33। नया रायगढ़ जो है राजनांदगांव वाला, वो एक नया डिस्ट्रिक्ट घोषणा हो गई है, तो अब 33 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं टोटल छत्तीसगढ़ में, उसमें से 11 लैंड लॉक्ड है, और 22 ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसका अगर वो देखना है तो वो भी इसमें मैंने बना के रखा है, किससे कौन सा टूट के बना है, रुको आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ। जैसे ये है 2020 में बिलासपुर से गौरेला पेंड्रा मारवाही बना अलग होके, फिर 2021 में राजनांदगांव से मोहल्ला मानपुर चौकी, जांजगीर चांपा से शक्ति, रायगढ़ बलौदा बाजार से सारंगढ़ बिल्हागढ़ बिलाईगढ़, और कोरिया से महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बना, और 2022 में राजनांदगांव से बना खैरागढ़। तो ये है कुल मिला के मामला। तो मैं पढ़ ही रहा था, अभी समय हो रहा है 2:05, मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही है, तो लंच ब्रेक मैंने डाल दिया है, अब बस जाता हूँ लंच करके आता हूँ और वापस से पढ़ूँगा। आज ये जो मैं विकास परक जो पढ़ रहा हूँ, ये मेरे को अभी कंप्लीट करना है दिन में ही। तो आज लंच में बनाए कुंदरू की सब्जी, दही मिर्ची, ये गाँव से आई है स्पेशली, बहुत बेहतरीन रहती है, दाल चावल और ककड़ी, अभी खाता हूँ और उसके बाद फिर पढ़ने बैठूँगा। शीरो बढ़िया ना आके, एकदम साफ सुथरी और सुंदर दिख रही है शीरो। अरे मैं आई है तो
तो समय हो रहा है 3:05, 2:05 को उठा था, 1 घंटे का लंच ब्रेक लिया था, तो लंच ब्रेक हो गया। अब वापस से पढ़ने बैठता हूँ और कंप्लीट करता हूँ विकास परक। One eternity later. तो अब बजने वाले हैं 6:55 हो गए और मेरा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया विकास परक। लास्ट में से क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन लगाओ और पीछे आंसर भी दिया रहता है, तो कर सकते हैं ऐसा। और इसके साथ साथ मेंस के लिए भी इसमें साथ में आता है, तो पेपर 7 का आया था इस बार, मतलब मई वाले में, ये भी मैंने देख लिया पूरा योजना है। इसको अपने मेरे को आईपैड में लिखना पड़ेगा, इसको लिखा नहीं हूँ, बस पढ़ लिया हूँ अभी। तो बस अब प्लान है कि मैं और बून जाएंगे मोमोज खाने, तो वो बस आ रही है 10-15 मिनट में, फिर मैं और वो जाएंगे मोमोज खाने सीसी में। ए फ्यू मोमेंट्स लेट, यार जब प्लानिंग बनाओ तो कचरा हो जाता है। अब बून नहीं आ पा रही क्योंकि बारिश हो रहा है और मैं भी नहीं जा पा रहा। अफसोस हुआ मुझे, लेकिन एक बात की खुशी है, इस अफसोस को मैं कवर अप करूँगा फैसोस से। मतलब फैसोस एक ब्रांड है जो रोल्स और ये सब मतलब बनाता है, भिलाई में अब तक नहीं था लेकिन अब आ गया है। अब इसका स्टोर है कि पता नहीं, जैसे बहरोज का सिर्फ ऑनलाइन आउटलेट है वैसे ही फैसोस का भी दिखा रहा है। फैसोस ठीक है ना यार, लिख तो दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। फैसोस मस्त रहते हैं इसके रोल्स और पोटैटो वेज वगैरह, मैं पहले डेली वगैरह में खाया हूँ लेकिन भिलाई में तो नहीं था अभी तक। अभी आया, मेरे को अचानक शौक किया तो मैंने ऑर्डर किया, देखते हैं कैसा रहता है। और यहाँ का टेस्ट और डेली वगैरह वाला जो टेस्ट है वो सेम है कि नहीं, वैसे तो ब्रांड है तो सेम ही होना चाहिए, तो फिर भी देखते हैं। क्योंकि KFC में भी कभी कभी होता है कि डेली वाला, डेली और मुंबई मेट्रो सिटीज का KFC ज़्यादा अच्छा टेस्ट रहता है, भिलाई वाला थोड़ा, तो देखते हैं। ऑर्डर तो कर दिया मैं, अब बारिश हो रही है और लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, आता है तो आप लोगों को दिखाता हूँ और मस्त फिर खाएंगे यार। तो फाइनली फासोस से आ चुका है रोल्स, और ये है, थोड़ा गीला हो गया, बारिश हो रही थी तो ठीक है, तो खोलता हूँ फिलहाल और देखते हैं कैसा टाइप का। स्वीट ट्रूथ, अरे हाँ यार ये तो वही है, सेम फासोस। तो ये है स्मोकी बटर चिकन टिक्का रैप, और ये वाला बड़ा खिला है, और ये है भुना चिकन ओवरलोडेड रैप, ये मैं पहले खा चुका हूँ, बहुत अच्छा रहता है। और ये है पोटैटो वेज एंड चोको लावा तो नहीं दिख रहा इसमें, अच्छा साथ में होगा लगता है, टिश्यू और कुछ पेपर वुडन वो, तो इतना कुछ मैंने मंगाया है। तो वो 3, अच्छा ये है यार ना चोको लावा, तो ये पहले ही निकाल लिया था, तो अभी खा के देखते हैं कैसा है। क्या मम्मी, ये है टोटल जो भी मंगाया है, पोटैटो वेज बहुत अच्छा दिख रहा है, चोको लावा तो जैसा रहता है वैसे ही, पोटैटो वेज खा के देख लेता हूँ। नाइस, और ये वाला रैप है मोकी बटर चिकन टिक्का, इसको भी खोलता हूँ अभी, और ये वाला भुना, बढ़िया क्या दिया, टीका थोड़ा खाने के लिए, अच्छा टीका चस्का रोल, दोनों एक ही है, अलग अलग है, काटो ना, काट लानी मम्मी, 3 टुकड़ा कर रही है उसका, मेरे को नीचे वाला दे दो मम्मी, ये वाला वाला को दे दे, उसको भी काट देते हैं। चिकन नहीं दिया, ये कुछ मसाला टाइप कर दिया उसका, मम्मी तो डांस वांस कर दे रही है एकदम। चलो कैसा लगा कैसे बताओ, बिना खाए
मैं स्मोकी बटर चिकन ट्राई करते हैं। अरे तो बीच वाला दे देंगे, गिर जाते ना इधर। ये नया आया बोल के मैं मंगा लिया चिकन बटर मसाला वाला, इतना मज़ा नहीं आ रहा। तो जैसे डोमिनोज कर रहे थे सेम वैसे ही है। मम्मी बोलेगी इससे अच्छा तो मैं बना लूंगी। वो समय आने वाला है दोस्तों, बस कुछ क्षण दूर है। इससे अच्छा तो मैं बना लूंगी, है ना, है ना। पहले शिरो तो बन लूंगी था, मजा नहीं है। पहला वाला मस्त था। वाह, चिकन भुना सबको अच्छा लगा, बटर चिकन वाला पप्पा को भी उतना मजा नहीं आया, और बाकी ये तो अच्छा ही है। वो बटर चिकन में ना, हाँ चिकन नहीं था ना, वो सॉसेज डाल दिया था। अब डिनर थोड़ी देर बाद, डिनर में भी आज बढ़िया चीज बनी है। A few moments late. तो मैं केनिया वाली वीडियो का पार्ट टू एडिट कर रहा था, और अब समय हो रहा है 9:13। तो अब करता हूँ डिनर, और उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करूँगा एडिट करना। सो डिनर तैयार है, दो रोटी और चिकन चिल्ली, बढ़िया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल हियर। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का सपोर्ट मुझे देखकर, काफ़ी मोटिवेटेड मैं रहता हूँ और अच्छे वीडियो बनाओ ऐसा मुझे फील होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।